ਭਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਿਰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭੇਡਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭੇਡਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज अब मैं आपको गद्दी लाइफ के बारे में बताऊंगा, मतलब कैसे कैसे सरवाइव करते हैं जो जो भी होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। और घोड़े वगैरह दो घोड़े हैं, दो घोड़े हैं और 300 मतलब बकरी वगैरह टोटल। और कुत्ते वगैरह डॉग दो चार है, चार चार डॉग है इसमें। क्या बोलते हैं फीमेल कितनी और मेल कितनी? चारों फीमेल है। और मतलब ऐसे एक डॉग लेना हो छोटा सा तो कितने का पड़ जाएगा अगर लेना हो किसी ने? ऐसे लेना है 3,000 का भी, कोई 5,000 का। अच्छा अच्छा, अलग अलग प्राइस है, अलग अलग प्राइस है ना, अलग अलग नस्ल है, दो नस्ल के है। तो थोए इथे जांदे अपने मतलब हां दे इलाके तो कितना का टाइम करदे सरवाइव, मतलब इथे घूमने फिरने? 4-5 महीने इथे दासा कोई 4-5 महीने करदे। 4-5 महीने तो उन गर्मी गर्मियां टाइम मतलब गर्मियां च चल गया सब ऊपर अपने इलाके ऊपर चली फिर। हां तो इथे दे थोनू कितना टाइम लगना उथे बोलने? मतलब इथे ने जांदे हास प्यास ना। हां जी, जे लई आना हुंदा टाइम कोई ऊपर कोई दिन कोई 25 दिन लगदा। 25 दिन लगे ने चंबे पूर्ण मीरपुरा पे थे मतलब हां दे इलाके कने दिन ना थोए सरवाइव वगैरह कर दिन घूमदे फिरदे। तो थोंजे दिन बाग बूग टक्कर दे कोई स्टोरी हो तगड़ी जी? बाग बूग भी खाई जांदे तो मतलब कोई स्टोरी हो दसने वाली कुछ भेजन ना ओ वो सुनने को फिर इतना किस्सा कई बारी हुंदा राती पे जांदा बाग फिर किने डांदे कुत्ते उस बस के कुत्ते अंदर रखे कुत्ते बोल दे फिर हम सब के तरफ लगाने खाना पीना बस लगाया होना चूल्हे जो पकड़े भी गया एक दो बारी मती बारी पकड़े पकड़ी लेंदे फिर खड़ी भी दिया जाता आप वो खवाई दे सें। अच्छा बस छुट जा रहे थे बस। तो थोन जो कितना टाइम हुई है मतलब ये काम करते करते मतलब बकरियाँ चलाते तो हुई है 11 साल लगा है उन 56 साल उम्र हुई है लाई दिया साल तो मतलब कितने हुई है तो ताली थोन स्टार्ट किसे साल ताली थोन दोबारा कितनी बकरियाँ बकरियाँ हैं मतलब चारी था ये थी को 85 बकरी 45 साल उम्र होगी इनको काम करते हो यही काम करते हो और स्टार्टिंग में 50 बकरियाँ थी 50 बकरियाँ थी अब इनके पास 300 बकरियाँ हो चुकी हैं मतलब आई आई कितनी रखी हैं मतलब सबसे ज्यादा बकरी कितनी है सबसे ज्यादा बकरियां
खर्चा पानी घर का पूरे का चलता मतलब करना कुछ हिलू बेचना कुछ हिलू बेचना अच्छा अच्छा कोई बुढ़ी ठुडी बकरी बेची जानी हाँ जी हाँ जी बकरे पालने अच्छा अच्छा तीसते रोटी खानी पानी खर्चा चल जाता है हाँ जी हाँ जी बड़ा ऐड काम आए हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी ये भी काम है यार हमला क्या करते हैं टाइम पास आए ऐसे मतलब पढ़ना सर्वाइव कर टाइम पास काम करते हैं और कोई सवाल भाई बस चंबा लास्ट पौंदा होना सुजानपुर होगी ना मीरपुर लम्मा ग्रां थोड़ी कमजोर वगैरह लग रही है ये तो सूरी थी पहले ना सूरी थी और बीमार भी हुई है बीमार हो गई बड़ा इलाज किया था और ये ठीक है कुत्ती कह रहे जो खड़ी है जालम बीमार हुई और जो घोड़ी है कि घोड़ा है वो छोटा वाला घोड़ा इसका माँ मरी गई थी इसकी माँ मर गई थी तो मतलब उसके बाद दूध वगैरह नहीं मिला इसको ना इसको जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाके थोड़ी देर मिलना की बस दूध दिया फिर ऐसा ये कमजोरी है कमजोरी और जो बड़ी वाली है वो घोड़ी वाली है वो घोड़ी है वो सुनती नहीं है सुनती नहीं है सुनती नहीं है चार पाँच छः साल हो गया सुनती नहीं है और जैसे ये छोटा सा लेना हो किसी ने तो ये इसका दो हज़ार भी ढाई हज़ार भी दो ढाई हज़ार में मिल जाएगा हाँ जी मिल जाएगा छोटा बच्चा कुछ हाल में बिकता ऐसी ऐसी बात है सर्दी में ऊपर ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण नीचे जाते हैं इसलिए जब 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 यहाँ पे थोड़ी गर्मी होने लगती है तो ये फिर ऊपर चले जाते हैं जब बर्फ थोड़ी वहाँ पे पिघल जाती है बिल्कुल चलो ठीक है जी ना थैंक यू जी धन्यवाद थोड़ा जी बाकी मैं आपको घोड़े दिखाता हूँ मतलब एक घोड़ी और एक छोटा सा घोड़ा जिसका मैंने अभी बताया आपको जो आपने सुना तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ तो ये देखते हो ये है वो घोड़ा थोड़ा सा कमज़ोर लगेगा आपको क्योंकि छोटा है ये इसको माँ का दूध वगैरह नहीं मिला है तो उसके चलते देखते हो इसकी सेहत वगैरह डाउन होगी थोड़ी सी पतला होगा और वो है घोड़ी बड़ी
मतलब बाकी आपने देख लिया होगा। तो इतना ही था बताने के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी और भी बताऊंगा मैं अगर फिर कभी हुआ, लेकिन अभी जो बताने के लिए था, जो जो मैंने पूछा और आपने देखा, तो इतना था वीडियो में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।